आखिर एलएसी पर विवाद क्या था, क्यों चीन हेकड़ी दिखा रहा था, पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए जरूर समझिए। 8 महीने बाद एलएसी पर सबसे बड़ी खबर आई। भारत और चीन दोनों एलएसी पर अपनी अपनी सेना पीछे हटाने पर राजी हो गए। चीन ने पैंगोंग झील से अपनी सेना पीछे हटाने का ऐलान कर दिया। अब आपको दिखाते हैं मई 2020 से लेकर अब तक एलएसी पर क्या कुछ हुआ और कैसे दोनों देश शांति पर सहमत होते नजर आ रहे हैं। एलएसी पर 9 महीने क्या हुआ। मई 2020 में गलवान घाटी से भारत चीन विवाद शुरू हुआ। 15 जून 2020 को गलवान में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प, चीनी सेना के फिंगर 8 से आगे फिंगर 4 तक पहुंचने से टकराव शुरू हुआ। लद्दाख में 9 महीने से आमने सामने डटी हुई हैं सेनाएं। विवाद खत्म करने के लिए चलती रही भारत चीन की सैन्य बैठक। 24 जनवरी को कोर कमांडर्स की 9वें दौर की बैठक से सहमति बनने के संकेत। पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी दक्षिणी किनारे से सेना हटाने की सूचना चीन ने दी। सैन्य वापसी पर अभी भी भारतीय सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार। यानी ये माना जा सकता है कि पूरी दुनिया में घिरने के बाद चीन की अकड़ ठिकाने आ गई है। जो चीन हेकड़ी दिखाता था उसे भारत के दबाव के आगे झुकना पड़ा। अब एलएसी पर चीन बहुत कमजोर हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।